Hey guys, subscribe my channel and press the bell icon for the latest videos. Raho Tech, सबसे पहले. Hey guys, आज हम बात करने वाले हैं resume bulletin points के बारे में. इसमें आप देख सकते हैं कि before और after का resume result है, जिसमें आप before में क्या correction थे वो correction किए गए हैं और after में जो आपको resume एकदम clearly दिखाई दे रहा है और आपको resume में क्या करना है क्या नहीं करना है आपको मतलब थोड़ा detail में आपको समझाया गया था पिछली वीडियो में. तो ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं जिसे आप कर सकते हैं और इसमें आपको मोस्टली हाईलाइट करनी है अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स, जैसे लीडरशिप स्किल्स होती हैं, मैनेजिंग स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जो आपकी कंपनी में यूज़ की जाती हैं, तो आपको वो हाईलाइट करनी है. और 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं फॉर इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री रिज्यूम बुलेटिन पॉइंट्स. इसमें होता है ट्रांसफरेबल स्किल्स, जिसमें आपको ट्रांसफरेबल स्किल्स जैसे आप लीडरशिप क्वालिटी ये सब अपनी हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी तरह से. और टेक्निकल स्किल्स जो भी आपकी नॉलेज हैं, स्किल्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो आप इसमें हाईलाइट कर सकते हैं रिज्यूमे में, ठीक है. और क्वांटिटेटिव रिजल्ट, मतलब कोई भी रिजल्ट जो आपने कुछ भी काम किया उसमें क्या रिजल्ट्स आए आपके, आपने मतलब कैसे उसको किस लिमिट तक आपने किस परसेंट में आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसमें आपने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, आपने कितना आपको सीखने को मिला, तो आप रिजल्ट्स लिख सकते हैं अपने आपको क्या रिजल्ट्स मिले अपने इस काम से. तो आप ये सब 3 पॉइंट्स हैं जो आपको डिटेल में बता सकते हैं. ट्रांसफरेबल स्किल्स कितने तरह की होती हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं. जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे करंट इंडस्ट्रियल ट्रेंड, मतलब इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, वो आप पता कर सकते हैं. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप क्वालिटी और बहुत कुछ. और प्रोडक्ट और मार्केट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो आप कंपनी में काम कर रहे हैं जिससे आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है कि आपकी कंपनी में आपको जो रिक्रूटर हैं वो आपको मोर सीरियसली लेते हैं कि हाँ बंदे को कुछ पता है, आप नॉलेज उसे दे पा रहे हैं, उसे समझा पा रहे हैं कि आपको इस चीज़ की नॉलेज है, आप मार्केट में बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं. और ये बहुत और भी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो टाइम मैनेजमेंट, जैसे आप किसी भी काम में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, रिलेशन बिल्डिंग, टीम वर्क, जैसे आप किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं तो आपका टीम वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है. और क्लाइंट फेसिंग स्किल्स होनी चाहिए कि कोई क्लाइंट आया तो उसको हम कैसे मेंटेन करें, उसको कैसे आप अपना काम कैसे समझाएं कि हम ये काम करते हैं, हम ये चीज़ करते हैं. और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, आपको कुछ भी, जैसे आपको ऑफिस में कुछ भी मैनेजमेंट के लिए या फिर PPT कम्युनिकेशन के लिए दे दिया, फिर कुछ बातचीत किसी से करनी है तो वो दे दिया तो आप कर सकते हैं आसानी से. तो एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा ट्रांसफरेबल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स और क्वांटिफाइड रिजल्ट्स का. इसमें आप एक साथ, जैसे आपका स्किल्स है लीडरशिप क्वालिटी और टेक्निकल स्किल है कि आप मैनेजिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है. और इसमें आपका रिजल्ट क्या है, आपने 8 पब्लिकेशन और इतना डॉलर का लैब ग्रांट फंडिंग की है, तो आप ये सब रिजल्ट कर सकते हैं इसमें. इससे क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस मिल जाएगा बनाने के लिए. जैसे एडिशन कर रखा है मैंने लीडरशिप का, बीच में आपकी मैनेजिंग स्किल्स का और इसमें आपके फंडिंग का, तो इसमें आप तीनों का एक सेंटेंस में डेवलप कर सकते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है. तो आप इसको देख के समझ सकते हैं कि आपका जैसे बुलेट पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है, आप इसको आसानी से अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स और अपने एक्सपीरियंस जो आपकी मैनेजिंग और रिसर्च में आपने जो कर रखा है और उसमें क्या आपको रिजल्ट्स मिले, ठीक है, आपको रिजल्ट्स कितने मिल रहे हैं, आपको क्या अच्छा रिजल्ट मिला है, वो आप अपने आपको हाईलाइट कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में. क्योंकि वो रिज्यूमे में देखता ही है कि आप उस कंपनी के लिए कैपेबल है कि नहीं, या फिर आप कंपनी को सूटेबल है कि नहीं, या आप उसमें काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आप आगे क्या कर सकते हैं कि अपने जो रिज्यूमे के बुलेट पॉइंट, एक डिफरेंट पेज लीजिए, उसमें आप अपने 20 या 10 कुछ भी कितने भी अपने बुलेट पॉइंट लिखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या अपने रिजल्ट निकाले हैं चीज़ों में, ठीक है. और ऐसा आप कर सकते हैं. और अपना एक नेक्स्ट पेज या फिर अलग पेज लीजिए, उसमें आप 5 to 10 अपने बैकग्राउंड, अपनी हॉबीज़, अपने ओनर्स, मतलब जो भी आपको अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखिए, थोड़ा उसको हाईलाइट कीजिए. आप एक सेंटेंस बनाइए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल समझाया आपको, कि अपनी स्किल्स लगाइए उसमें, अपना कुछ भी थोड़ा नॉलेज बढ़ाइए और उसमें जो आपने स्किल्स मतलब जो भी आपने मैनेजमेंट किया आपको क्या रिजल्ट मिला, ठीक है, आप उसको अच्छी तरह हाईलाइट कर सकते हैं. तो सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू गाइस.